वाह, ये देखिए, वाह आई ना आवाज, बहुत ही देखो पर्दे प्यारी। कैसे खुल गए। एक एक परत खुलती हुई दिखेगी आपको। नमकीन बिस्किट को भूल जाओगे जब इसको एक बार आप बना लोगे। हेलो, राम राम जी, नमस्ते, और सब कैसे हो जी? आशा करते सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी विलेज लाइव यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज सोनी बनाने जा रही है बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी मटरी, जिसको खाते ही आ जाए आनंद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राम राम जी सभी को। तो चलिए आज हम बनाते हैं मूंग दाल की मटरी। बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी क्रिस्पी कुरकुरी मटरी बनाने के लिए हमको चाहिए मूंग दाल। तो हमने यहाँ पे मूंग दाल ली है, एक कटोरी मूंग दाल ली है हमने। हमने इसको 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था पानी में। अब हम इसको अच्छे से साफ करके पीसेंगे। अभी इसको हम धो लेंगे अच्छे से दाल को, यानी एक दो बार पानी, साफ पानी में धोएंगे सोनी। हाँ, जब तक क्लियर पानी ना आ जाए, क्लियर पानी ना हो जाए जब तक, एक दो बार अच्छे से धो लेंगे। अभी हमारी दाल एकदम अच्छे से साफ हो चुकी है, तो अभी इसको हम डालेंगे मिक्सी जार में और अच्छे से पीसेंगे बिल्कुल बारीक। हाँ भाई, इनको एकदम बारीक पीसेंगे मूंग दाल को। और अभी देखिए, मूंग दाल बहुत बढ़िया से पीस लिए हमने, एकदम बारीक 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 सब पिस गई, सब सब पिस गई। ये हमारी मूंग दाल अभी पिस चुकी है, मूंग दाल का पेस्ट क्रीमी क्रीमी। अभी इसको हम अच्छे से फैट लेंगे। और अब हम लेंगे छोटा वाला मिक्सी जार, तो इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच काली मिर्ची और 10 बार लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची आपकी चॉइस है, अगर आपको तीखा थोड़ा सा पसंद है तो डालिए, नहीं तो ना डालें। और इनको भी हमने एकदम दरदरा पीस लिया है, तो देख सकते हैं दरदरे से क्या होता है ना, देखने में भी अच्छे लगते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखता है ये मटरी के ऊपर, तो इसीलिए हमने दरदरा रखा है। अभी इसको इसके अंदर मिला देंगे और हम डालेंगे इसमें अजवाइन, आधी चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को अच्छे से मिलेंगे हाथ में और उसके बाद में डाल देंगे। और अभी हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा तेल, 2 चम्मच तेल डाल, 2 चम्मच। ये तेल डालने से क्रिस्पी हो जाएंगे ना। हाँ। कुरकुरे से खस्ता बनते हैं तेल डालने से, कुरकुरापन आता है तेल डालने से। तेल, रिफाइंड घी, कुछ भी डाल सकते हैं। और अभी हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी 2 चुटकी हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक डालेंगे। और अभी इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और कुछ डलेगा सोने के, डल गए सब आइटम? कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता इस समय नहीं हमारे पास, पेड़ हो गया है, अभी इसकी नींद नहीं खोलेंगे। और हमको चाहिए इसमें डालने के लिए 1 कटोरी मैदा, मैदा लिया है। तो मैदा 1 कटोरी डालेंगे कि जरूरत होगी उतना डालेंगे? जरूरत होगी उतना डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। और इसको हम घोलेंगे, यानी अभी इसको हम एकदम आटा जैसा बनाएंगे, जैसा आटा लगाते हैं। बहुत ही कुरकुरी स्वादिष्ट मटरी बनके तैयार होंगी दोस्तों। और आपको पसंद आए तो बस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो सोनी ने ना जितना मैदा था 1 कटोरी में उतना पूरा डाल दिया है, तो अभी हमको और मैदा की ज़रूरत है। तो हमने 1 कटोरी मैदा और ले लिया है और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अभी देख, साथ मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालें। हाँ, थोड़ा थोड़ा, जितनी ज़रूरत रहे उतना ही डालेंगे, भले ही 1 कटोरी डले, 2 डले, 3 डले, ऐसे माड़ माड़ के, मतलब जैसा वो आटा तैयार करते हैं ना, पूड़ी वाला, रोटी वाला, बस उसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अभी देखिए टाइट हो गया, यानी 2 कटोरी मैदा तो हमारा लग जाएगा पूरा, थोड़ा सा बचा है जो दूसरी कटोरी थी उसमें से। और इस तरीके से अब इसको गूंदेंगे, जैसे आटा गूंदते हैं, गूंद गूंद के अच्छे से टाइट कर लेंगे। और इस तरीके से, और ये देखिए अभी लग के हो गया तैयार, ये देख सकते हैं।
तो इस तरीके से हम लगा के तैयार करेंगे। अभी ये आटा जैसा लग के तैयार हो गया, तो कितना मस्त दिख रहा है ना। ये मिर्चियाँ दिख रही हैं, काली मिर्च, लाल मिर्च, तो देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। ऐसे ही मटर ही देखने में सुंदर लगेंगे। और अब हम लेंगे थोड़ा सा मैदा और लेंगे कटोरी में, और इसके अंदर डालेंगे तेल। तो इसको तेल में घोल देंगे, और इसको क्या बोलते हैं सॉरी, सांटा। तो ये बन के होगा तैयार सांटा। और ये क्या काम करेगा अभी आपको देखने को मिलेगा, ये जरूरी है। पतला करेंगे ना इसको तो। और अभी इसमें और तेल डालेंगे, कितना ही काफ़ी है। हाँ, इतना ही काफ़ी है। तो ये तेल डालने के बाद में ये भी पीला पीला दिख रहा है, सरसों का तेल है ना। हाँ, सरसों के तेल की वजह से पीला पीला दिख रहा है, एकदम मस्त लग रहा है। तो ये बन के हो गया तैयार। अब हम बनाएंगे मटरी। सबसे पहले लोई बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पलोतन लगा के, और इसको बेल लेंगे। अब हम इस रोटी सी बनाएंगे, पतली सी रोटी, जैसे रोटी होती है जैसे बनाएंगे। और अब हम लगाएंगे इसमें से क्या बोलते हैं सॉरी इसको, सांटा। सांटा, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे सांटा। थोड़ा गाढ़ा ही लग रहा हूँ सोनिया भाई, कैसे लगाएंगे। अभी हमने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और अब लगाएंगे साटा। अब हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा सूखा आटा। सूखा आटा ने बेसन बेसन वो बेसन नहीं मैदा। अभी इस पे डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा मैदा सूखा, ताकि अच्छे से परत खुले। अच्छा, परत खोलने के लिए। अब इसको मोड़ेंगे किस तरीके से, ये देखिए। दूसरी साइड से भी ऐसे ही मोड़ देंगे, दोनों साइड से ऐसे मोड़ देंगे। अभी इधर से भी मोड़ दिया, अभी उधर से भी ऐसे ही मोड़ देंगे, चारों साइड से ऐसे मोड़ देंगे। अब इसको बेलेंगे। क्या बेलें? वो मैदा। थोड़ा सूखा मैदा डालने के बाद में अब इसको बेल लेंगे। चौकोर हो गया अभी। और अब हम इसके ऊपर और लगाएंगे सट्टा। दोबारा से सट्टा नहीं, साटा। इसमें दो चार बार ऐसे लगाते हैं ना, तो उसके बाद में जब हम सेकते हैं इसको, तो फिर निकलती है इसमें से परतें बहुत ज़्यादा, फिर खाने में आता है आनंद, एकदम क्रिस्पी, कुरकुरी, खस्ता। तो इस तरीके से हम लगा लेंगे। अभी बरसात का मौसम है, तो चैटी चैटा ये तो आते रहते हैं। इसको बाहर फेंक के आओ। अब हम फिर से सूखा मैदा डालेंगे। अभी इसको ऐसे मोड़ दिया, फिर से मोड़ देंगे ऐसे ही। तो अभी इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 परतें होगी। और बेलेंगे। हाँ। थोड़ा सा मैदा लगाएंगे सूखा, और फिर से इसको बेल देंगे। और अभी इसकी हम करेंगे कटिंग। तो पहले हम साठ का आटा लेंगे, दोनों साइड से हटा देंगे। देखो कैसे परते खुल रही है। अभी हाँ, अभी से ही परतें दिख रही हैं, ये देख सकते हैं। एक एक परत आपने आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अभी इसको हम कटिंग करते हैं, जो सा साइज आप पर रखना चाहते हैं आप उसी साइज का कटिंग कर लेंगे। खाली दबा दो, ऐसे चला क्यों रही है सोनी, बस ऐसे दबा दो। और ये देखिए अभी सब कटिंग हो चुकी है, और ये परतें आपको देखने को मिलेंगी। अभी इनको हम सेकेंगे
तो चलते हैं गैस की तरफ और अभी इनको हम सेकेंगे। इधर हो गई हमारी कढ़ाई में तेल गरम, तो अभी डाल देंगे इसके। और गैस कितनी रखेंगे सोनी? स्लो रखेंगे। स्लो, शुरू में मीडियम कर सकते हैं, उसके बाद में स्लो गैस पे इनको हम सेकेंगे। कई लोगों कमेंट आते हैं, भैया सरसों के तेल में से महक आती है, रिफाइंड में बनाया करो, घी में बनाया करो। अभी देखो हमारे यहाँ पर सरसों का तेल ही खाते हैं, हमारे यहाँ पे कोई कोई तो इसको रोटी से चिपड़ के भी खाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे प्योर, हम ही नहीं सभी लोग, हमारे प्रांत में सभी लोग सरसों का तेल खाते हैं, हर जगह का सूटेबल ऑयल होता है। अभी इनको हम ऐसे ही सीखने देंगे, परत भी खुल रही है अच्छे से। अभी इनको पलटे हैं कि ऐसे ही सीख जाएंगे? नहीं, पलटेंगे। ऐसे पलट देंगे जैसे, हाँ जैसे। अरे एकदम मस्त मटरी बनके तैयार हुई है, देख सकते हैं। अभी हम सभी को ऐसी प्रकार से पलट देंगे। और ये देखिए बिल्कुल धीमी आंच पे यानी लो फ्लेम गैस पे हमने इसको पकाया है इन सभी को। ये देखिए सेका है, मतलब पकाना बोल रहा हूँ, इनको सेक लिया है अभी और ये सेक चुके हैं, यानी 10 मिनट लगे सेकने में। धीमी आंच पे हम सेकते हैं तो बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी कुरकुरे बन के तैयार होंगे हमारे ये मटरी। तो अभी इनको निकाल देंगे सभी, बोल लो या फिर फैन बोल लो, फैन। सभी मटरियों को अभी बाहर निकालेंगे, फैन जैसे ही है ना, फैन चटपटा नहीं होता है, अभी समझ में। ये मटरियां है ये देखो क्या गजब। और ये रह गया हमारा लास्ट मटरी बनने के लिए। हमने जितनी मटरी बनानी थी सब बना ली, जितना आटा हमने लगाया था। और ये देखिए अभी कढ़ाई में सिक रही हैं, इनको थोड़ा ऐसे करते हैं ना तो ये और फूलती हैं, तेल डालते हैं, मतलब तेल कम रह गया अब कढ़ाई के अंदर, तो इसके ऊपर ऐसे तेल डाल रहे हैं तो अच्छे से फूल रही हैं। और इधर दिखाऊं, ये देखिए एक टोकरी भर चुकी है, ये देखिए अभी और भी हैं बाकी के, इन सबको डाल दें तो ऊपर तक भर जाएगी। ये देखिए दोस्तों अभी हो गई ये सिक्के तैयार और हमारी टोकरी भर गई है, हमारी टोकरी भर चुकी है फुल। ये देखिए, चलिए आपको आवाज़ सुनवाएं इसकी कि कितने क्रिस्पी खस्ता हमारी मटरी बनके तैयार हुई है। सोनी आवाज़ सुनवाइए। ये देखिए वाह, आई ना आवाज़ बहुत ही प्यारी, एक एक परत खुलती हुई दिखेगी आपको। और ये देखो कितने खस्ता क्रिस्पी, ऐसी आवाज देखो, अलग अलग एक परत खिल गए इसके। सुबह चाय के साथ में सभी को खिलाएंगे, टेस्ट करवाएंगे और आप सभी को भी टेस्ट बताएंगे। जब तक के लिए गुड नाइट। वाह, ये देख सकते हैं कितने क्रिस्पी खस्ता। पहले चेक करके बता कुरकुरिये के नाने है कैसी लग रही है, बढ़िया। चलो अब सुबह की चाय के साथ मटरी का नाश्ता। अम्मा कैसी बनी है मटरी ये बताइए? बढ़िया बनी है, मस्त, एक नंबर। चलो चाय के साथ में अभी इसी को खाइए, नमकीन बिस्कुट को भूल जाइए। फर्स्ट क्लास बनी है, अम्मा बोल रही है हमारी फर्स्ट क्लास बनी है। गरम गरम चाय के साथ मटरी का नाश्ता और सुबह बना दी है सोनी ने रोटी की नमकीन। आज सोमवार है तो इसलिए हम तो टेस्ट नहीं करेंगे, हम खाएंगे शाम को। और अभी भाई साहब खा रहे हैं तो बताएंगे आपको वो मटरी कैसी बनी है। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त बनी है एकदम टॉप। हाँ, अब वो मैंने बोला ना मार्केट से नमकीन बिस्कुट लाने की जरूरत नहीं है, घर पे बना के रख लीजिए और ये तो खूब चलेगी आराम से हफ्ते दो हफ्ते तक। वैसे आप बनाओगे तो एक दिन में साफ ही कर देंगे बच्चे, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो आप सभी को आज की हमारी कुकिंग वीडियो कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी बताना कमेंट में। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।